आगरा में आयोजित उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ जनकपुरी महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक मंच के माध्यम से शहर के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रतिभाओं, पर्यावरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनकपुरी में प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जनकपुरी का आगाज हो चुका है, जिसमें सर्वप्रथम हमारी आमंत्रण यात्रा शहर भर में निकली है। उसके बाद हमारे प्रभु हमारे श्री राजा जनक जी द्वारा कल आमंत्रण यात्रा निकाल करके जनकपुरी वासियों को, मिथिला नगर वासियों को आमंत्रित किया गया है। आज इसी क्रम में हम लोगों का हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम हुआ था। हम लोगों ने प्रभु के दर्शन के साथ साथ एक सांस्कृतिक मंच का भी शुभारंभ यहाँ कल से करने जा रहे हैं, जहाँ प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम हुआ करेंगे। शहर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए उसका काम करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की भी हम बहुत सारी जानकारियाँ पब्लिक तक पहुँचाएंगे, ताकि सबको ये जागरूकता आ जाए आम जनता में कि पर्यावरण के लिए भी एक जो प्रतिभा वाले बच्चे हैं वो भी अपनी प्रस्तुति दे सकें और पब्लिक उससे जागरूक हो सके। तो ये सब इसकी कार्रवाइयाँ हैं। जनक राजा जनक मंच के अलावा एक मंच सांस्कृतिक मंच तैयार किया गया है। अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने बताया कि ताज मोटर्स के माध्यम से सांस्कृतिक मंच का आयोजन किया गया है। इस मंच के माध्यम से शहर के सभी पर्यावरण स्थलों की छटाएं बिखेर कर महोत्सव में आए राम भक्तों को लुभाया जाएगा। एक जनकपुरी की समिति की ओर से एक सांस्कृतिक मंच का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है, जिसका संचालन हमारे श्री सुशील सरित जी और श्री चंद्रशेखर शर्मा जी के निर्देशन में यह 28 तारीख से 1 अक्टूबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन रहा करेगा। इसका मंच का उद्देश्य यही है कि आगरा की जो प्रतिभाएं देश प्रदेश में जो अपना प्रस्तुति दे रही हैं, उनका मंचन यहां पे हुआ होगा। ये स्थल ऐसा है जहां से कि सारी जनता प्रवेश करती है। खास बात यह है, हमारा जो जनकपुरी मुख्य स्थल है कोटी मीनार वाला, प्रवेश के लिए दो ही मार्ग है, तो हमंडी से आदमी आएगा या इधर से आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सारा नगर इधर से गुजरेगा। तो ये तय किया गया कि इस स्थल पर ही प्रवेश करते ही उनको ये महसूस हो कि एक आध्यात्मिक वातावरण सृजित हो चुका है और हम श्री राम के आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम हमने रखा इस मंच का मिथिला प्रवेशिका मंच। मिथिला हमारी पूरी नगरी है, उसके प्रवेश के लिए ये मंच हमने तैयार किया है। मुनेंद्र जाधव ने बताया कि सांस्कृतिक मंच के माध्यम से आगरा के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रतिभाओं को नाटक और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। सी न्यूज़ के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।